खोल भाई, कोई तो निकले। आइए ना। मेरा नाम आमिर है। बहुत ही प्यारा नाम है। और आपका? जी मैं आयशा तबस्सुम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। क्या? मेरा मतलब नाम। वैसे हम कचरा साफ करने की मशीन बेचते हैं, मेरा मतलब वैक्यूम क्लीनर। जी इसका रेट है 4,300 रुपए। वैसे आपके लिए काफी कम कर सकता हूँ। अगर पैसे ना दो तो चलेगा? थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली। अच्छा, मान लो मैं इसे खरीद भी लूं तो इसमें मेरा क्या फायदा? इस मशीन को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मशीन हर दूसरे तीसरे दिन को बंद पड़ जाती है। तो फायदा कैसे हुआ? मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर आऊंगा इस मशीन को बनाने के बहाने, और साथ में आपका दीदार भी हो जाएगा। अच्छा अब्बू जान। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक्साइटमेंट में आके बोल डाला आपको। क्या हुआ बेटी? अब्बू जान, बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी चीज आई है जिसकी मुझे जरूरत है। अरे बेटा पहले ये तो बोलो चीज क्या है? वैक्यूम क्लीनर, जिसे सारा घर मिनटों में साफ हो जाएगा। अरे बेटा ये तो पहले से ही मौजूद है अपने पास। अरे मिनटों क्या, सेकंडों में साफ कर देते तुम्हारे भाईजान चांदपाशा। क्या तुम्हें हुआ बेटी? क्या लेने देने की बात चल रही बाप बेटी में? आखिर क्या तो भी चीज है ये बेटा? अम्मी जान ये वैक्यूम क्लीनर है, मिनटों में पूरा घर साफ कर देगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। चांद पाशा को बोलने के बजाय इससे ही साफ कर लेना अच्छा दिख रहा। बेकार के उनके चक्कर में दिमाग खराब हो जा रहा। हाउ मच दिस बेटा? तुम सलालिक आंटी, तुम यहाँ तक आ गए? नहीं आंटी, वो खाला से सीधा आंटी पे। ये कहाँ फंस गया? मगर मैं आपको कहीं देखे जैसा दिख रहा। हाँ याद आया, मगर आप यहाँ तशरीफ क्यों लाए आप? लेकिन ये सब क्या हो रहा है अब्बू? अरे इन्हें बहुत बेइज्जती करा मेरी। हाँ इसने मेरी भी बहुत बेइज्जती की। तुम्हारी भी करा? देखिए उस दिन जो मैं कहा था वो गलत नहीं था, मगर मेरे बोलने का अंदाज बड़ा गलत था, क्योंकि मानता हूँ मेरे से गलती हुई। दरअसल हम लोगों के घर का कचरा साफ करते करते आज हमारे दिमाग में कचरा भर गया, और कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन गलती से आप जैसे लोगों पे उतर गया। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की? गलती तो इन लोगों करे, इन लोगों तुम्हारे से माफी मांगना चाहिए। तुम्हारी तो शराफत है जो कुछ भी नहीं करे उन्हों उस वक्त। अच्छा मान न मान, मैं तेरा मेहमान। देखिए जो होने का था सो हो गया, अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे अब टेंशन मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आज रात ठीक 12 बजे, 12 बजे के बाद निजामबाद जाने वाली रोड पर एक चौरस्ता लगता है, ठीक राइट मार के अंदर आ गए तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो बदतमीजी मैंने आपके घर वालों के साथ की है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है।